नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है EMRS की तरफ से। EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, जिस हिसाब से NVS होते हैं, नवोदय विद्यालय समिति के जो स्कूल होते हैं, ठीक उसी हिसाब से EMRS स्कूल होते हैं जो कि रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। तो उसमें परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। एक उनके रूल को लेकर के एक कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसी के बारे में आज की स्टूडियो में अपन बात करने वाले। और जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है, उन सब बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। और अभी तैयारी करने के लिए आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सही समय है आपके पास में तैयारी करने का। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत शानदार है, एज लिमिट बहुत अच्छी रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 वर्ष रखी गई है। यहां पे IIT वाले बच्चे भी आवेदन करेंगे, डिप्लोमा वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी है, और BBTEC वाले बच्चे भी यहां पे आवेदन कर पाएंगे। परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी यहां पे जॉब रहने वाली है। सभी चीजों के बारे अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने है। उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी बच्चे भारत की तैयारी कर रहे हैं, IT इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ट्रेनर है, मशीनिस्ट है, उन सब बच्चों के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है पेड टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जिन भी बच्चों को जो पेड टेस्ट सीरीज लेने के इच्छुक नहीं है, उन सब बच्चों के लिए स्टार्टिंग का जो एक टेस्ट है दोस्तों, आप सब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो पहला जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको अटेंड करके आप अपनी तैयारी उसका अनुमान लगा सकते हो। जो भी आपको इंप्रूवमेंट करना है, पहला टेस्ट देकर के आप उन चीजों को चेक जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन सभी चीजों के बारे में। यहां पे दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय विद्यालय है, ठीक उसी हिसाब से जिस हिसाब से नवोदय विद्यालय होते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों, NVS में कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी आई थी, ठीक उसी नाम से यहां पर भी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ऑल ओवर इंडिया में टोटल 740 एकलव्य मॉडल स्कूल है, तो सभी स्कूलों में एक एक पोस्ट है, वो यहां पे इन्होंने बता रखी है, ठीक है। वैसे आप यहां पे देखोगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की काफी सारी वैकेंसी बता रखी है, प्रिंसिपल से लेकर के वाइस प्रिंसिपल है, टीचर है, म्यूजिक टीचर है, लाइब्रेरियन वगैरह, इस हिसाब से काफी सारी वैकेंसी। अपने जो काम की वैकेंसी है टेक्निकल, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के नाम से यहां पे वैकेंसी आने वाली है। कंप्लीट इन्होंने रूल रेगुलेशन है वो जारी कर दिया, ठीक है। जैसे यहां पे पहले पॉइंट में दे रखे हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंटमेंट यहां पे इन्होंने दिया, यानी कि इन्होंने बताया दीज रूल्स में बी कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि ये जो स्कूल है इनमें भर्ती होने के लिए रिक्रूटमेंट रूल है वो ये निर्धारित किए गए। पॉइंट नंबर 5 पे आइए, प्रोबेशन पीरियड। इन्होंने जैसे कि बता रखा है स्टार्टिंग में 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिस हिसाब से सभी सरकारी नौकरियों में रहता है। उसके बाद में आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, यानी कि आप विभाग के अंदर परमानेंट हो जाओगे, बहुत ही अच्छी आपको यहां पे सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए यहां पे, इन्होंने अलग अलग टेबल बना करके सभी पोस्टों के लिए अलग अलग जानकारी दे रखी है, जैसे कि पे स्केल कितना रहने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, अधिकतम आयु सीमा कितनी रहने वाली है, कितनी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी, ये सब चीजें इन्होंने दिखा रखी है। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 35 पे, ठीक है। पेज नंबर 35 पे आप आओगे, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का मतलब यह है कि अगर इस पोस्ट पर आप सेलेक्ट होती तो इलेक्ट्रीशियन का भी काम आपको करना होगा और प्लम्बर का भी आपको काम करना होगा। देखिए दोस्तों, देश भर के अंदर टोटल 740 एकलव्य मॉडल विद्यालय, और सभी में एक एक इन्होंने बता रखी है पोस्ट, यानी कि 1 पर EMRS, यानी कि प्रत्येक विद्यालय में एक यहां पे पोस्ट है उसकी भर्ती की जाने वाली है। तो आप वहां पे भर्ती होगे तो उस स्कूल में आपके पास में इन सब चीजों का आपके पास में काम रहेगा। सैलरी के बारे में बात करें तो लेवल 2 की आपकी सैलरी रहने वाली है, 19,900 आपकी बेसिक पे रहेगी, यानी कि लगभग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो 35,000 रुपए के आसपास में बनना स्टार्ट होगी। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 45 वर्ष रखी गई है, हालांकि SC ST OBC वगैरह उनको छूट भी मिल जाएगी। हालांकि एज काफी ज्यादा रखी गई है, छूट के साथ मेरे हिसाब से किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप 10th पास हो और आपके पास में एक सर्टिफिकेट है, जैसे कि इन्होंने बता रखा है IIT का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, या फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर डिग्री का मतलब है कि BBTEC की डिग्री है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन लिखा है, यानी कि IIT इलेक्ट्रीशियन में है, IIT वायरमैन ट्रेड के अंदर है, या फिर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, या फिर BBTEC की डिग्री इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, तो वो सभी बच्चे इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सभी के सभी 740 वैकेंसी है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपकी इनके अंदर भर्ती होने वाली है। तो कुछ इस हिसाब से दोस्तों जानकारी दे रखी है। अभी तक इनका नौकरी का यानी ये फॉर्म भरे जाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस इनको भर्ती करनी है, और भर्ती करने से पहले कौन सी पोस्ट के लिए क्या नियम रहने वाले हैं
और कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है, उन सब चीज़ों की जानकारी इन्होंने दे रखी है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। जैसे कि इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर EMRS स्टाफ यहाँ पे दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपका अगला सवाल रहेगा, सर ये नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन फॉर्म इसके कब तक स्टार्ट होने वाले? देखिए भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है भी इस महीने में भर्ती आएगी, इस डेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि मिशन मोड के तहत दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट कि जितनी भी खाली वैकेंसी है उनको भरा जा रहा है, तो दिसंबर 2023 से पहले पहले शायद इस वैकेंसी को भी कंप्लीट किया जाएगा। और दिसंबर 2023 से पहले पहले वैकेंसी को कंप्लीट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों को कंप्लीट करना है, तो शायद उम्मीद है कि अगले एक महीने के अंदर भी आपको इनका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है और अगले एक महीने में ही इनके फॉर्म स्टार्ट हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट इन्होंने नहीं दे रखी है लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए और दिसंबर 2023 से पहले पहले मिशन मोड के तहत सभी सरकारी जो खाली पद है को भरना है, तो शायद उसके हिसाब से ही इसकी भर्ती निकाली जाएगी। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, हालांकि बस एक चीज आप ध्यान रखना, आपका जो टेक्निकल है वो तो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, बाकी सिलेबस के बारे में जब भी आपको जानकारी मिलेगी तब भी आप तैयार कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल को अच्छी तरीके से अभी से आप तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।